बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, याद होगा कि कल हमने डिस्कस किया था क्लोज पाइप को और इसके डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस को हमने डिस्कस किया था, और इसमें लास्ट पे हमने कंक्लूजन ये ड्रा किया था कि इन अ क्लोज पाइप ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। तो स्टूडेंट्स, आज हम ओपन पाइप के रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी डेफिनेशन दोबारा से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ओपन पाइप, इफ बोथ एंड्स ऑफ ए पाइप आर ओपन, इफ बोथ एंड्स पाइप आर ओपन, इट इज कॉल्ड ओपन पाइप। जस्ट लाइक दैट स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्टूडेंट्स ओपन पाइप है, और इसकी आप देख रहे हैं कि इसकी लेंथ जो है वो एल के बराबर है, एंड इट इज एंटी नोड एंड इट इज आल्सो एंटी नोड। इफ बोथ हैंड्स ऑफ ए पाइप आर ओपन, इट इज कॉल्ड ओपन पाइप, इसे हम ओपन पाइप का नाम देते हैं। अब यहां पे हम बात करेंगे जी डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन एन ओपन पाइप। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन एन ओपन पाइप। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन एन ओपन पाइप, हम थोड़ा सा वी डू द सेम एक्सपेरिमेंट जो हमने लास्ट टाइम किया था कि लेट अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क बी हेल्ड एट द माउथ ऑफ एन ओपन पाइप ऑफ लेंथ एल। द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आर शोन एज। अब स्टूडेंट्स, हम ट्यूनिंग फॉर्क को लेते हैं और उसके एक ओपन एंड जो पाइप है इसके एक एंड पे हम उसको इसके करीब रखेंगे, एंड द एयर कॉलम वाइब्रेट्स एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड। अब डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस के हवाले से हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। हम पहले नंबर पे यहाँ पे जो डिस्कस करने लगे हैं स्टूडेंट्स, दैट इज द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन को हम कहते हैं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, दैट्स नंबर वन। फंडामेंटल फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन स्टूडेंट्स, एंड इट्स एन ओपन पाइप इट्स द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। और इस केस में जो एयर पार्टिकल स्टूडेंट्स इनकी जो मोशन है इट्स जस्ट लाइक दैट ये एयर पार्टिकल्स की मोशन है जो यहां पे मैंने शो किया है स्टूडेंट। इट्स लेंथ इज एल एंड इट इज एंटी नोड एंड इट इज नोड एंड इट इज आल्सो एंटी नोड। ये देख रहे हैं फर्स्ट मोड और फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, इट्स लेंथ इज एल, एल इज लेंथ, इट इज एंटी नोड एंड इट इज नोड एंड इट इज आल्सो एंटी नोड। लेट एफ वन एंड लैम्डा वन बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स
longitudinal waves respectively. So answer पहले केस में जो frequency of the waves है f1 है और जो wavelength है स्टूडेंट्स lambda 1 है of longitudinal waves. अब लेंथ यहां पे देखें तो एंटी नोड नोड के दरमियान डिस्टेंस आप सारे जानते हैं दैट इज लैम्डा बाय 4 और इसी तरह यहां पे भी लैम्डा बाय 4 के बराबर. सो एल इज इक्वल टू लैम्डा 1 ओवर 4 प्लस लैम्डा 1 ओवर 4. सो एल विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा 1 ओवर 4. दे कैंसिल आउट एंड यू गेट लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा 1 ओवर 2. और यहाँ से लैम्डा वन की अगर आप बात करते हैं थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई लैम्डा वन इज इक्वल टू 2L. तो यहाँ से थोड़ा सा लैम्डा वन फर्स्ट केस के लिए लैम्डा वन की वैल्यू आ गई हमारे पास 2L के इक्वल. यूजिंग दिस रिलेशन V इज इक्वल टू एफ वन लैम्डा वन एंड एफ वन विल बी इक्वल टू V ओवर लैम्डा 1 के इक्वल. अब आप इनकी वैल्यू लगा दें. लैम्डा 1 की वैल्यू हमारे पास 2L है. सो एफ वन इज इक्वल टू वी ओवर 2L एंड लेट्स सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है स्टूडेंट्स. एफ वन की वैल्यू आ गई हमारे पास वी ओवर 2L के इक्वल एंड इट इज द फर्स्ट इक्वेशन. फ्रेंड्स हम उसी तरह प्रोसीड कर रहे हैं जैसे हमने लास्ट टाइम प्रोसीड किया था. फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास ओपन पाइप है. इसमें से जब ट्यूनिंग फोक को आप यहाँ पर रखते हैं तो इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एयर कॉलम. जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो स्टूडेंट्स इसकी मोशन इस तरह से होती है जो मैंने शो की हुई है. लेंथ एल के बराबर है दैट इज एंटी नोड दैट इज नोड एंड एंटी नोड दिट इज बिटवीन लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 4. फर्स्ट केस में फ्रीक्वेंसी एफ वन है लैम्डा L1 के इक्वल है तो लेंथ स्टूडेंट्स विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा 1 ओवर 4 कैंसिल आउट लैम्डा 1 ओवर 2 लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2L. V इज इक्वल टू V बराबर है जी F1 लैम्डा 1 F1 विल बी इक्वल टू V ओवर लैम्डा 1 इंसर्टिंग द वैल्यू V ओवर 2L. सो दैट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आई मीन F1 इज इक्वल टू V ओवर 2L एंड इट इज द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ कम टू सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन स्टूडेंट्स. सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन स्टूडेंट्स. सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में स्टूडेंट्स विल डू दी लेट दी फ्रीक्वेंसी इज एफ टू एंड वेवलेंथ इज लैम्डा 2 ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. जैसे हमने फर्स्ट केस में कहा था कि फ्रीक्वेंसी एफ वन है और वेवलेंथ लैम्डा 1 है. इस केस में हम ये कहते हैं कि इन दैट पर्टिकुलर केस दी फ्रीक्वेंसी इज स्टूडेंट्स. इसकी जो डायग्राम है सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की स्टूडेंट्स डायग्राम इज जस्ट लाइक दैट. ये हमारे पास ओपन पाइप है और इसकी लेंथ एल के इक्वल है. इसमें जो स्टूडेंट्स लूप बनेगी वन कंप्लीट लूप यानी एयर के पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वन कंप्लीट लूप बनाएगी और ये पार्शली ये पार्शियल लूप और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये पार्शियल लूप ही बने. इसे हम एंटी नोड कहते हैं और ये हमारे पास नोड है तरह ये भी एंटी नोड ये भी नोड और ये हमारे पास एंटी नोड. इसे लैम्डा बाय 4 कहेंगे लैम्डा बाय 4. अब थोड़ा यहाँ पे देखें 1 2 3 4 तो इसको हम यूँ कहते हैं एल इज इक्वल टू 4 लैम्डा 2 ओवर 4 यानी लेंथ एल के इक्वल है. और इसमें आप देख रहे हैं कि एंटी नोड और नोड के दरमियान लैम्डा बाय 4 ये भी लैम्डा बाय 4 के और ये भी लैम्डा बाय 4
4 lambda 2 over 4. So they cancel out, L is equal to lambda 2 k equal. As well as इसी को हम यहाँ पे सेम प्रोसीजर में v is equal to f2 lambda 2 अप्लाई करेंगे. v is equal to f2 lambda 2 और यहाँ से f2 की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो v over lambda 2 के इक्वल. As well as lambda 2 किसके इक्वल है, ये यहाँ पे मेंशन है कि lambda 2 l के इक्वल है, ये आप देखें. और यही चीज़ आपने यहाँ पे इंसर्ट कर देनी है. तो इट कम्स टू बी v over l. आपको याद होगा कि इक्वेशन 1 में f1 हमने लिखा था v over 2 l के इक्वल. यानी यहाँ से स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं कि f1 की वैल्यू v over 2 l के इक्वल है. तो f2 हमारे पास किसके बराबर आ गई, v over l के इक्वल. सो ये इक्वेशन 1 थी. अब हम इक्वेशन 1 को इसमें एडजस्ट करेंगे. व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड भी कर दें. तो 2v ओवर 2l. अब यहाँ से इक्वेशन 1 को अप्लाई कर दें यूजिंग इक्वेशन 1. वी गेट f2 इज इक्वल टू 2f1 के इक्वल. v ओवर 2l क्योंकि f1 के इक्वल है तो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो f2 किसके बराबर हो गया, 2f1 के. और इसका नाम दे दें इट्स अनदर इक्वेशन, आई मीन इक्वेशन नंबर 2. उसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन नंबर 3. थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की हम बात करेंगे स्टूडेंट्स. और उसमें सेम सिचुएशन है जिस तरह हमने पहले केस में किया कि लेट फ्रीक्वेंसी इज एफ थ्री इज द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा 3 इज द वेवलेंथ. Of longitudinal waves frequency हमने यहाँ mention किया है कि f3 और wavelength क्या है lambda 3. अब इस केस में स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीज डायग्राम है जैसे आप देख रहे हैं और उन्हीं से आप नोड और एंटी नोड की शेप बना के उनके दरमियान डिस्टेंस और फिर सेम प्रोसीडिंग में आप उसको सॉल्व करते हैं. तो इस पर्टिकुलर केस में जो थर्ड मोड में से डायग्राम बनेगी, याद होगा कि पिछले में 1 कंप्लीट लूप था, यहां पे 2 कंप्लीट लूप होंगी. और इसी तरह इसमें लेंथ इज देयर, इसे हम एंटी नोड कहेंगे. ये नोड है, ये एंटी नोड और ये भी एंटी नोड. फिर लैम्डा बाय 4 लैम्डा. सो एल इज इक्वल टू ये बन गया जी थर्ड मोड में 1 2 3 4 5 6 लैम्डा 3 ओवर 4. दोबारा देख लें स्टूडेंट्स, इसमें 2 कंप्लीट लूप और 2 पार्शियल लूप्स.
ये एयर के पार्टिकल्स बनाते हैं स्टूडेंट्स, और नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि दैट इज लैम्डा बाय 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 लैम्डा 3/4 क्योंकि थर्ड मोड है, तो इसलिए लैम्डा 3 आपने लिखा। अब स्टूडेंट्स इसको अगर आप साल करें तो ये हमारे पास ये बन गया 3 और यहाँ पे आ गया 2, डिवाइड हमने कर दिया 2 से, तो एल विल बी इक्वल टू 3 लैम्डा 3/2। और यहाँ से अगर आप लैम्डा 3 को कैलकुलेट करें तो इट कम्स टू बी 2L/3, तो कैंसिल आउट क्रॉस मल्टीप्लाई 2L/3 के को, तो यहाँ से लैम्डा 3 विल बी इक्वल टू 2L/3 के को। अब वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दें एज V इज इक्वल टू F3 लैम्डा 3 और यहाँ से F3 को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो V/λ3 के इक्वल आएगा, F3 इज इक्वल टू V/λ3। अब लैम्डा 3 की वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो F3 विल बी इक्वल टू, लैम्डा 3 की वैल्यू है 2L/3। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो F3 विल बी इक्वल टू 3V/2L, तो F3 यहाँ से आ गई हमारे पास 3V/2L के इक्वल। अब स्टूडेंट्स उसी तरह जैसे हमने पहले केस में इक्वेशन 1 को यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी आप इक्वेशन 1 को ही अप्लाई करेंगे, और इक्वेशन 1 आप जानते हैं, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूँ, F1 इज इक्वल टू V/2L, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। अब इसमें आपने ये वाली इक्वेशन को इसमें यूटिलाइज करना है, तो यहाँ से आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा F3 इज इक्वल टू V/2L, V/2L किसके बराबर है, F1 के, तो इट कम्स टू बी 3F1, तो यहाँ से F3 विल बी इक्वल टू 3F1 के इक्वल, और इसका नाम दे दें इट्स अनदर इक्वेशन, आई मीन इक्वेशन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि सेकंड इक्वेशन आपके पास है F2 इज इक्वल टू 2F1, थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या है F3 इज इक्वल टू 3F1। अब इसको जनरली आप यूं कह सकते हैं, सो फार जनरली आप देख रहे हैं कि F2 बराबर है हमारे पास 2F1 के इक्वल है, और F3 आपके सामने किसके बराबर है जी 3F1 के, और सिमिलरली अगर आप F4 की बात करें तो इट कम्स टू बी 4F1, और इसी को सो ऑन कर दें तो Fn विल बी इक्वल टू Nf1 के इक्वल। Fn इज इक्वल टू Nf1 के इक्वल, और n की वैल्यू मेंशन कर दें n इज इक्वल टू 1, 2, 3 सो ऑन के इक्वल। तो यहां से आप ये कहेंगे कि Fn बराबर है इसके पर्टिकुलर केस में Fn इज इक्वल टू Nf1 के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स यानी ये हमने ओपन पाइप के लिए डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के वाले से ये चीज़ कहा कि Fn जो है वो इस पर्टिकुलर केस में Nf1 के बराबर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लास्ट पे कंक्लूजन यहाँ पे लिखेंगे, कंक्लूजन क्या होगा स्टूडेंट्स, कंक्लूजन आपको याद होगा कि क्लोज पाइप में हमने ये मेंशन किया था कि ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, यानी ऑड हार्मोनिक्स जो हैं देर प्रेजेंट इन अ क्लोज पाइप, क्लोज पाइप में ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, और इस केस में आप देख रहे हैं 1, 2, 3 सो ऑन लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि इन एन ओपन पाइप All harmonics mean क्या होता है स्टूडेंट्स, odd and even are present, यानी open pipe के inside all harmonics mean odd and even are
प्रेजेंट। तो ये स्टूडेंट्स दैट्स अबाउट दी ओपन पाइप स्टूडेंट्स, हम लास्ट आर्टिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे, दैट्स अबाउट बीड्स। थैंक यू ऑल।